तो साइंटिस्ट से हमारा इकॉनमी से क्या लेना। Hey guys, this is Seher Khan and this is Shahzan Khan and welcome back to Bros's Reactions. और आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहे हैं वो है अहदे वफा का OST और उसके टीजर्स। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। कॉलेज लाइफ सजल अली का हस्बैंड देखा। अच्छा 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 अहद मेरे ओ आर्मी स्कूल नाइस। यहाँ की भी ट्रेनिंग भाई बड़ी गजब होती है। हाँ याद है वो दोस्ती का हर मजा, मोहब्बतें वो रौनकें वो मस्तियाँ। ये क्या नाम था? अलीजा, अलीजा शाकर के लड़की का। हाँ ये भी थी। अच्छा होगा, अली जफर का नाम ले रही हूँ, गाना गा रहा है ना। हाँ वो तो गा, वो तो सिंगर है। ये दिल का दिल से हुआ है दे वफा, दिल का दिल से हुआ है दे वफा। चार लड़के दो लड़कियां। पोस्टर में जगह नहीं बची होगी शायद इसलिए। बहुत नाइस आपकी। सो ये बेसिकली फ्रेंडशिप पर बेस्ड है। हाँ मुझे मतलब जो लड़कों की फ्रेंडशिप है खास करके उसके ऊपर बेस्ड है ये। हाँ बस लड़कियों को मेरे ख्याल में इसमें इंक्लूड कर दिया गया है फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ पर्पस, थोड़ा मसाला ऐड करने के लिए। थोड़ा हाँ, हो सकता है क्योंकि दो लड़कियां हैं और बेसिकली जो दिखाया गया है वो मेन तो उन चारों की फ्रेंडशिप दिखाई गई है, लड़कों की ही कहानी दिखाई गई है। कॉलेज लाइफ है ना। हाँ, और कॉलेज लाइफ के लिए जो बेस कैंप दिखाया है आई गेस रियल है वो, मे बी मतलब रियल ही होगा, रियल ही होना चाहिए। इतना बड़ा तो बनाएंगे सेटअप तो बनेगा नहीं, इतना बड़ा बन भी जाए तो मतलब मुश्किल है ना, क्यों बनाए सेटअप बनाए से तो रियल ही बेस्ट है। और जानने की कोशिश करते हैं इसका। हाँ, इसका टीजर वन देखते हैं। SSG ज्वाइन करने के लिए 3 असूल हैं बस, लॉयल्टी, ऑनेस्टी, सीक्रेसी। मोहब्बतें वाली मूवी का मुझे वेलकम टू द गैंग। जैसे चार दोस्त थे, तीन थे मेन शाहरुख खान चुके। तेरा ख्याल बिल्कुल ठीक है मेरी जान। क्यों बुलाया मैं? पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन पर कोई राय लेने? तो हम तो साइंटिस्ट से हमारा इकोनॉमी से क्या लेना। कैसे मिल गया इसको दाखला मेरे कॉलेज में? बताओ प्रिंसिपल को नहीं पता कैसे दाखला मिल गया। जल्द आ रहा है। तो ये आर्मी स्कूल में ऐसे बच्चे अगर चले गए तो आर्मी बहुत ही ऐसा लग रहा है कि बहुत कॉमेडी ड्रामा है। सही है, अगर आर्मी में सही में ऐसे लोग अगर ऐड होने लग गए लड़ाइयाँ नहीं होंगी। तो तुमसे लड़ाइयाँ नहीं होंगी, मस्ती करेंगे, सब मजाक करेंगे एक दूसरे से। तो बेसिकली जो उसका नाम है अहदे वफा, तो उसमें वो दिखाया गया है ना लॉयल्टी दिखाई गई, लॉयल्टी टुवर्ड्स फ्रेंडशिप, नॉट फ्रेंडशिप और लैंड टुवर्ड्स द कंट्री। टुवर्ड्स कंट्री वो तो होना ही जरूरी है। हाँ, वो तो बिल्कुल होना जरूरी है, सबसे पहली चीज है। तो लॉयल्टी टुवर्ड्स फ्रेंडशिप भी है और कंट्री भी है। तो चलो फिर इसका नेक्स्ट टीजर देखते हैं। बच्चे भाभी से मिलने की जिद कर रहे हैं, किसी को ऐसे रोक कर रास्ते में बात करना बहुत घटिया बात है, मैं नहीं जा रहा। भाभी हमारा एक दोस्त है, आपका बचपन से बचपन से फैन है, बहुत ही खूबसूरत, अच्छा और होशियार लड़का है। हाँ, खूबसूरत तो है। तुम्हें मसला क्या है? हाँ, जहाँ जाती हूँ वहाँ पहुँच जाती हूँ, मैंने अपने दोस्तों को मेरे पीछे लगा दिया, अब ये कुत्ता। क्यों भाग रहे थे एक लड़की के पीछे? कुत्ते बनो इंसान मत बनो। हाँ, कुत्ते तो गाड़ी के पीछे भागते हैं, लड़की के पीछे थोड़ी भागते हैं। सही बात है, वो भी वो गाड़ी जो उन्हें मिल नहीं सकती कभी।
चलो अब इसका लास्ट टीजर देखते हैं। पूरी ट्रेनिंग दिखाने हैं। फौज का सब बनने जा रहे हैं जो दुश्मन को जहाज से उतार कर चाय पिलाते हैं और बाद में पूछते हैं दुश्मन हमारे कब्जा कर फौज ऐसा नहीं हमारे साथ। पीएम ने मुझे ये ड्यूटी दिया साहब कि मैं आपको तीर की तरह सीधा रखूं। तीर की तरह मैं भी सीधा 24/7 फ्री 4G इंटरनेट। इंटरनेट चाहिए था तुम्हें, ऐसा डाउनलोड करूंगा ना तुम्हें कि तुम्हारे सारे सिस्टम से धुआं निकलेगा। आर्मी में है उसे इंटरनेट चाहिए। इंटरनेट चाहिए प्लस जो वो कॉमेडी चल रही है उन लोगों की ट्रेनिंग के दौरान हद है। मतलब ऐसी ट्रेनिंग हो तो मजा ही आ जाए, हर कोई आर्मी ज्वाइन कर लेगा। बहुत ज्यादा कॉलेज लाइफ तो है ही इसमें, लेकिन जो कॉलेज लाइफ एक काइंड ऑफ स्टूडेंट लाइफ और पढ़ाई लिखाई सारी चीजें मर्ज करके हमें दिखाया गया है कि कैसे। और फिर पाकिस्तानी ड्रामा में हमने कभी भी आर्मी बेस्ड तो कोई भी ड्रामा अब तक नहीं देखा है ना, तो ये हमें कुछ नया पहला ड्रामा होने जा रहा है जो आर्मी बेस्ड होगा पाकिस्तान का हमारे लिए। मैंने तो इतने सारे ड्रामास देखे हैं लेकिन आज तक ऐसा ड्रामा तो नहीं देखा है जैसा ये होने वाला है। मैंने भी पाकिस्तानी ड्रामास नहीं देखे, बट ये सब देखने के बाद अभी तक जितने भी मतलब मैंने रिएक्शंस दिए हैं पाकिस्तान के ड्रामास पे, मतलब ऐसा लगता है कि देखना पड़ेंगे बहुत ही। उनका ओएसटी से लेकर के सारी चीजें बहुत ही अच्छी हैं, बहुत अच्छी हैं। मतलब हॉलीवुड को हॉलीवुड के जो पीकी ब्लाइंडर्स और पनिशर और बाकी सारे द ऑरेंज इज द न्यू ब्लैक एंड वगैरह वगैरह उनको टक्कर देने वाले, उनका हाइप बना रखा है, ये बहुत अच्छे हैं पाकिस्तानी सीरियल्स। मतलब ओएसटी देखने के बाद ट्रेलर देखने के बाद लगता है कि ये भी काफी अच्छे हैं। हमें ये देखना ही होगा लिटरली, मतलब मजा आएगा, वर्थ इट होना होगा अगर कोई भी देखे। टीजर से ही मजा आ गया। सो गाइस ये था आज का हमारा वीडियो, आई होप आपको पसंद आया हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।